नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल मई 2023 को लेकर के। मई के माह में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवग्रहों की कैसी स्थिति रहेगी, क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े परिवर्तन होंगे तो कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, क्या आपको हानि हो सकती है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी व्यवसाय कामकाज में हर माह के अनुसार क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, और महत्वपूर्ण बात आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा मई माह में, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लिए यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य सुनिएगा। राशि फल के कार्यक्रम को हम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, तो निश्चित ही आपके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली व सूर्य राशि व नाम राशि से न देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं नवग्रहों की स्थिति पर। मई के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों की बन रही है। वृश्चिक राशि के जो स्वामी ग्रह हैं मंगलदेव हैं, आठवें भाव में संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में सातवें भाव में, सूर्य बुध गुरु राहु चार ग्रह आपके लिए छठवें भाव में स्थित है, शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चौथे भाव में स्थित है, केतु तुला राशि के अंतर्गत बारहवें भाव में संचरण कर रहे हैं, और चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। एक स्थिति तो आपकी इस तरह की है। इस ग्रह गोचर स्थिति के अंतर्गत चार ग्रहों का परिवर्तन होगा मई के माह में, और सबसे पहला परिवर्तन होगा शुक्रदेव का। शुक्रदेव 2 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आठवें भाव में स्थित हो जाएंगे। 10 मई को मंगलदेव का राशि परिवर्तन और आपके राशि स्वामी नवें भाव भाग्य भाव में स्थित होंगे, कर्क राशि के अंतर्गत अपने नीच राशि में संचरण करेंगे, और 15 मई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव मेष राशि को छोड़कर के वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, सातवें भाव में स्थित होंगे, और 15 मई को ही बुधदेव में भी परिवर्तन होगा और वक्री बुधदेव मार्गी होकर के संचरण करने लगेंगे। वहीं हम बात चंद्रमा की करें तो मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर अपने राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो उनमें अत्यंत शुभता होती है। जब भी शुभ भाव में होते हैं तो हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, पापी ग्रहों के साथ रहते हैं, 6, 8, 12 भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देने का कार्य भी करते हैं, और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक तनाव, थकावट इत्यादि देखने को मिलती है। आप घर में हो या अपने कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कलह क्लेश का वातावरण देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो कौन से ऐसी तारीखें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रहेंगी जिनमें आपको सतर्क सावधान रहना है, ये हम बताएंगे, लेकिन पहले बताएंगे आपको शुभ तारीखें। मई माह में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25 और 28 मई शुभ तारीखें रहेंगी, और 4, 5, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 29, 30 और 31 इन तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो मई के माह में लगभग आपको सतर्क सावधान जरूर रहना है। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ की चिंताएं आपको सता सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं कष्टमय स्थिति दिखाई दे रही है, पेट से संबंधित विकार, त्वचा से संबंधित विकार, खून से संबंधित समस्याएं और साथ ही साथ चोट इत्यादि का भय आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और विशेषकर इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि वृश्चिक राशि के जातक हैं, 10 मई 2023 तक वाहन चलाने से कंस्ट्रक्शन का भारी भरकम कार्य करते हैं तो ऐसे कार्यों से आपको विशेष रूप से बचाव करने की आवश्यकता पड़ने वाली है।
तो वृश्चिक राशि के जातक हैं 10 मई तक विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा, उसके उपरांत भी आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन वृश्चिक राशि के जातकों को सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाना है, मंगलदेव की उपासना अवश्य करनी है, निश्चित ही स्वास्थ्य में आपको बहुत सारे सुधार देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा मई, तो प्रिय दर्शकों कर्म भाव दसवें भाव के स्वामी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव बनते हैं और सूर्यदेव छठे भाव में स्थित है, कर्म भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, शनिदेव की शत्रुगत दृष्टि है और शनि की ढैया से भी आप प्रभावित हैं। तो यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं विशेष सतर्कता सावधानी बरतेगा अपने कार्य क्षेत्र में, कहीं ना कहीं आपकी जल्दबाजी आपका उतावलापन आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता बनेगी, भागदौड़ बहुत ज्यादा होगी। मई का माह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कठिन साबित होगा, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो या पारिवारिक उलझनों को लेकर के हो या स्वास्थ्य को लेकर के हो, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप जिस भी कार्य क्षेत्र में स्थित हैं उसी कार्य क्षेत्र में निरंतरता आपको बनाए रखनी चाहिए और स्थिरता से कार्य करना चाहिए, क्रोध करने से बचिएगा। कार्य क्षेत्र में जो भी आपके सीनियर्स हैं आपके समकक्ष हैं या व्यापार से संबंधित काम कार्य आप करते हैं व्यवसाय करते हैं, तो किसी भी प्रकार के व्यर्थ का वाद विवाद करने से आपको जरूर बचना है। मई का माह संघर्षरत रहेगा तो निश्चित ही संघर्ष अत्यधिक करना होगा, इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। गुप्त शत्रुओं के कारण भी आपके कई कार्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए गुप्त शत्रुओं से भी विशेष रूप से सतर्कता सावधानी आपको बरतनी होगी। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी बुधदेव आपके लिए बनते हैं जो कि छठे भाव में स्थित है, तो निश्चित ही आर्थिक स्थिति के मामले में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, बहुत सारे कर्ज आपके ऊपर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप ऋणी बन सकते हैं और खर्चों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, अनायास अचानक से आपके खर्चे बढ़ने लगेंगे, अचानक से आपके खर्चों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है जिससे आप व्यथित रह सकते हैं परेशान रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले मानसिक रूप से संतुलित आपको अवश्य होना चाहिए, व्यर्थ के खर्चों से व व्यर्थ की यात्राओं को करने से जरूर बचिएगा। वृश्चिक राशि के जातक हैं इस बात का खास ध्यान रखिएगा, यदि आप सट्टा लॉटरी इत्यादि का काम करते हैं तो मई के माह में जबरदस्त और नुकसान के योग बने हुए, इन क्षेत्रों से आपको अवश्य बचना है। मई के माह में कार्य क्षेत्र का विशेष रूप से ध्यान रखें, नौकरी करते हैं या व्यवसाय अपने आप को नियंत्रण में लाकर के स्थिरता से करिएगा जो भी कार्य करते हैं, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और खर्चों में बढ़ोतरी होगी इसलिए मन परेशान हो सकता है, अपने खर्चों पर लगाम लगाने की पूर्णतः कोशिश करिएगा। मई का माह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ हो यही प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।